की मूवी की टीम की तरफ से बैक टू बैक तबाही देखने को मिलने वाली है प्रभास अन्ना सर के फैन को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के दैट। गाइस, एक बात तो क्लियर हो गया है कि कल की मूवी की टीम भाई सब कुछ छोटा मोटा प्लान करके नहीं चल रही है, क्योंकि जिस तरह से भाई सब हाइप, रश, ट्रैफिक और दबदबा देखने को मिल रहा ना, लिटरली गाइस इस बार इंडियन सिनेमा को जला धला कर अलग करके रखने वाले हैं प्रभास अन्ना, क्योंकि भाई सब फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड इसके अपकमिंग अनाउंसमेंट के लिए, अपकमिंग अपडेट के लिए, लेटेस्ट बस के लिए, ऑफिशियल अपडेट के लिए, मतलब कि हर एक चीज के लिए एक्साइटेड है। तो गाइस काफी लोगों ने मुझे बोला है कि हर्ष भाई कुछ ना कुछ शेयर करो, तो गाइस काफी शॉकिंग अपडेट निकल कर आया और जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है, तो गाइस काफी सारी अपडेट्स है, मैं सब बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते, किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैन है, कल की 2898 AD के फैन है, तो उन्हें मैं बताता चलूं कि फाइनली भाई साहब कल की मूवी का रैप अप कर दिया गया है। मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैन है ना, इस चीज के लिए इतने ज्यादा मतलब कि बेताब थे, कंफ्यूज थे, परेशान थे कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, 9th of May को इसे रिलीज होना, लेकिन अभी तक इसका रैप अप नहीं किया गया है। तो गाइस फाइनली रैप अप कर दिया गया है और भाई साहब एक लेटेस्ट पिक्चर भी क्लिक किया गया है जो कि एयरपोर्ट का, तो आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि कल मूवी की टीम ने कल्कि के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर ये 5 सेकंड का ऑफिशियल वीडियो शेयर किया, जहां पर प्रभास अन्ना सर का अपने को लैग दिखाई पड़ रहा है। और भाई साहब ये जो भी था, मतलब कि जो भी था, तत्तर था भाई साहब, वाइब तो था, लिटरली गाइस वाइब तो था, मतलब कि अगर किसी किसी को भी बता देंगे ना, तो भाई इसका आप कहीं ना कहीं मतलब उसको इतना शॉकिंग वाइब आने वाला है, जिसे सुनने के बाद मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब गाइस अब आप खुद सोचे कि 5 सेकंड के इस म्यूजिक में, और जो कि मतलब प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है, इतना वाइब देखने को मिल रहा है, तो प्रॉपर अगर ये सॉन्ग हुआ तो कितना मजा आने वाला है। हाँ, तो गाइस अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट पर। तो गाइस ऐसा ऑफिशियली लेवल पे टीम की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि प्रभास अन्ना यानी कि कल्कि और दिशा पटानी मैम के बीच में एक आइटम सॉन्ग होने वाला है। गाइस आइटम सॉन्ग होने वाला है, अब सॉन्ग भी हो सकता है, आइटम सॉन्ग भी हो सकता है, भाई सब व्हाटएवर कुछ भी हो, बस इतना पता है कि कल्कि 2898 AD में भाई सब काफी ज्यादा मजा आने वाला है, जिसके लिए ऑलमोस्ट फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। और टीजर का तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, स्पेशली इसके ड्यूरेशन के लिए फैंस काफी ज्यादा परेशान से लग रहे हैं, कंफ्यूज से लग रहे हैं। अब गाइस कल जब मैंने इसके टीजर के ड्यूरेशन के बारे में बात की थी ना, तो काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस पे कहा इंस्टाग्राम पे कि हर्ष भाई इतना लंबा इसका ऑफिशियल टीजर नहीं आएगा, यानी कि 2 मिनट 33 सेकंड का इसका ऑफिशियल टीजर नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों को बताता चलूं, भाई जब तक कल्कि मूवी की टीम की तरफ से ऑफिशियली लेवल पे अनाउंसमेंट नहीं हो जाता कि टीजर कब आने वाला है, तब तक हर दिन, लिटरली गाइज हर दिन ये चीज कंफर्म होती रहेगी कि इसका ऑफिशियल टीजर का ड्यूरेशन कितना लंबा होने वाला है, कितना कम होने वाला है, मतलब कि हर दिन कुछ ना कुछ रिलेटेड आएगा। तो उन चीजों पर भरोसा नहीं करना है, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी होने वाला काफी पावरफुल लेवल पे होने वाला है। अब गाइज कल अपडेट निकल कर आया था 2 मिनट 33 सेकंड का टीजर का ड्यूरेशन होने वाला है, अभी कुछ और आ रहा है, वो जो आ रहा है 1 मिनट 23 सेकंड का आ रहा है, मतलब कि अब आप देखें, मतलब कि हर दिन जो है अपडेट चेंज होती जा रही है, अभी बता रहे हैं 1 मिनट 23 सेकंड का आ रहा है। बस क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है, बस यार 8 तारीख का वेट कर लो, पोस्टर ऑफिशियल टीजर अपन सबको देखने को मिलेगा। बस एक्साइटमेंट इसी बात का है कि डायरेक्टर नाग अश्विन सर महाशिवरात्रि के दिन प्रभास अन्ना सर के साथ क्या बड़ा शेयर करने वाले, जिसके लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी काफी ज्यादा मरे जा रहा है, जिसमें से एक मैं भी हूं, क्योंकि भाई साहब कल की 2898 AD का काफी लंबे समय से वेट कर रहा हूं कि यहां पर कितनी तबाही देखने को मिलने वाली है। वैसे गाइज आप लोग हमें बताएं कल की 2898 AD के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है इस क्लिप के बारे में, दिशा पटानी मैम विद प्रभास अन्ना सर के सॉन्ग के बारे में, टीजर के ड्यूरेशन के बारे में, लेटेस्ट पिक के बारे में, जो कि एयरपोर्ट का, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।